कि ना वर्ली ब्लॉग और फिर से आपका दोस्त सुहेल आजमी आपके साथ है। और अभी चल रहा है मुहर्रम का महीना यानी गम का महीना, और आज है मुहर्रम की 10वीं तारीख। और इसी दिन इमाम हुसैन को कर्बला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, और उन्हीं की शान में उन्हीं की इज्जत में लोग गम बनाते हैं और ताज़िया वगैरह निकालते हैं, अखाड़े निकालते हैं हर मोहल्ले से, जहाँ पर सुन्नी और सिया जमात के जो लोग रहते हैं वो इमाम हुसैन की शहादत में उनकी शान में ताज़िया वगैरह निकालते हैं, अखाड़े बनाते हैं और बहुत सारे जो खेल करतब होते हैं वो दिखाते हैं। अभी हमारे मोहल्ले से भी अखाड़ा निकाला गया है, इमामी अखाड़े। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी खेल दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे रंजीत कोल स्टोर के पास, अभी हम लोग चलेंगे कच्ची पक्की, वहाँ पर एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खेल दिखाया जाएगा। और अभी मैं आपको पीछे दिखाऊँ, अभी हमारी जो अखाड़ा है वो अभी पीछे है और ताज़िया यहाँ बिल्कुल सामने है। सो काफ़ी बेहतरीन तरीके का माहौल होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के खेल दिखाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक खेल होता है। इस तरीके का ताज़िया वगैरह बनाया जाता है जिसको आप बखूबी जानते हैं, और हर धर्म के मानने वाले लोग इसकी इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वो भी बड़ी ही इज्जत के साथ और बड़ी ही शान के साथ इसको देखते हैं और मानते भी हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं डीजे वगैरह भी बिल्कुल तैयार है और पूरा साउंड का पूरा भरपूर इंतज़ाम होता है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारे मोहल्ले के नौजवान एकता कमेटी की तरफ से हर साल बड़ी शानो शौकत के साथ और जोश खरोश के साथ इमामिया खाना निकाला जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद है नौजवान एकता कमेटी के सदर सेक्रेटरी शाहरुख भाई। भाई पिछली बार जो रूट था, क्या उस रूट में कोई चेंजिंग आया? रूट में चेंजिंग आया है। हम लोग को कैसे जाना है? सुस्ता पंचायत होते हैं मुखिया जी घर से खेलते हुए, अपने कोल्ड स्टोर चौक से खेलते हुए मजौली धरमदास और आनंद मार्ग तक खेलना है। और उसका जैसे हम लोग वहाँ गोड़िया बाजार तक कलमबाग चौक तक जाते थे, क्या वो प्लानिंग है? जहाँ पे बोलबम का सिविल है वहाँ पे नहीं खेलना है, हम लोग को कायदे में खेलना है, सिविल की तरफ नहीं जाना है, ये प्रशासन का ऑर्डर है। खेलने का जो अखाड़ा है और ये बिल्कुल करीब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक को किस तरीके से घुमाया जा रहा है, और ये देखिए बाइक को इन्होंने छोड़ दिया। काफ़ी कुछ बेहतरीन आपको देखने मिलेगा। ये हमारे मोहल्ले का इमामिया अखाड़ा और काफ़ी शान स्वागत के साथ निकाला गया, और अभी हम लोग कच्ची पक्की चौक पे पहुँचने वाले हैं। ठीक इस साइड में आप देख सकते हैं तो एक और अखाड़ा है जो कि हमारे पड़ोसी मोहल्ले अतरने का लगा हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये हमारे मोहल्ले का राशिद भाई बहुत ही हेवी खिलाड़ी है, इतना बेहतरीन बाना का बगेटी का खेल दिखाते हैं ना, ये काफ़ी कमाल का, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखने मिले क्या राशिद भाई? एकदम एक्साइटेड है, एकदम पूरी तैयारी है क्या? ओके